फ्रेंड्स, मैं हूँ फरीदा और आप देख रहे हैं फरीदा नागपुर ब्लॉग है। ये मेरे छोटे छोटे बल्लू बच्चे दिख रहे हैं आपको, एलिमोन बच्चे। मैं उठती हूँ ना तो ये उठ जाते हैं। हाँ बेटा, और ये वेट कर रहे हैं कि मैं यहाँ का दरवाज़ा खुलाऊँ। तो हो गई मेरी नमाज और मैं आई हूँ आमिना और रैन को उठाने के लिए। तो हाँ, आप लोग कैसे हैं? और आप सबको 23rd सहरी बहुत बहुत मुबारक। अयान, अम्बू, अयान, तो कल बहुत अच्छी हवा चल रही थी रात में फ्रेंड्स, कपड़े सब गिर रहे थे। देखो अयान, अयान दरवाजा खोलो बेटा, ये खोलना। हाँ, तो मैं बता रही थी रात को बहुत अच्छी हवा चल रही थी और कल 22वां रोज़ा हमारा मुकम्मल हुआ और आज 23वीं सहरी है। मगर आप लोग को बताऊँ, हमारे यहाँ है ना, एक मेरी गली में और एक भाभी की गली में दो जन का इंतकाल हो गया। एक यहाँ तो पता नहीं, मुझे भाभी की गली में ना बुजुर्ग थे जेंट्स, उनको इंतकाल। तो बता दूँ मैं आपको, वैसे तो ये रात बड़ी, वैसे तो ये रात बहुत ही, क्या बोलेगा। हाँ बेटा, तो अमीना ने दरवाज़ा खोल दी है, हम आ गए किचन में। मेरे किचन का थोड़ा ये ख़राब है और मेरी बेटी ने देखो रात में पूरे बर्तन धो के सोई बहुत दिन के बाद। मैंने बोला बेटा आज मेरे में ताकत नहीं बर्तन धोने की, आज तो तेरे को धोना ही पड़ेगा। तो बेचारी मेरी बच्ची ने क्लीन करी और ये मेरा बाथरूम है ना, मेरे अमीना पूरा क्लीन करी है। आप लोग को दिख रहा होगा ये बाजी के पार्लर का पाइप है जो है ना, बाहर ही पड़े रहता था अब तक के 3 साल से। तो ये बाथरूम है ना बहुत गंदा होता है, वो हेयर वॉश करते हैं, मेहंदी लगाते हैं और फेशियल वगैरह का चिक 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 पूरा रहता, कोई जाने को ही नहीं करता था। तो खैर, अमीना ने कर दी उसका इलाज, अब जा रहे हैं उन लोग खुद यूज़ कर रहे हैं। बेचारे बहुत मच्छर हो गए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ तो बहुत मच्छर, उसके पापा को भी नमाज पढ़ते पढ़ते 3-4 मच्छर मारे। तो खैर, रात को मैंने बनाई थी टमाटर प्याज की चटनी, वो रखी है और मैं बनाऊंगी अभी रोटी, जो मैंने आटा गूंध के नहीं रखी हूँ रात में क्योंकि फ्रिज में जगह नहीं थी। अब मैं आटा गूंधूंगी, चाय चढ़ाऊंगी। और मैं आपसे क्या बात कर रही थी, वीडियो अभी मैंने जब बंद किया था कि हाँ, मेरी गली में ना दो लोगों का इंतकाल हो गया कल। वैसे तो ये रात बहुत अच्छी मानी जाती है, शहादत की मौत होगी जिसको भी आएगी। और वाकई वो बहुत नमाजी इंसान थे जो उनके भी इंतकाल हुए, दोनों ही बाकाफ़ी। और अल्लाह उनकी मगफिरत करे और अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में आला से आला मकाम दे। और अभी हाल ही में, महीना भी नहीं हुआ पता है, जो भाभी की गली में उनके बेटे का भी 1 महीना भी नहीं हुआ शादी हुई है, रमज़ान की जस्ट पहले ही हुई। और बीमार थे कहते हैं वो, और कल सुबह उनको फिर से खांसी वासी उल्टी, खून की उल्टी हुई तो एडमिट करे और असर मगरिब के बीच में उनका इंतकाल हो गया। खैर, उनके घर में सबको अल्लाह ताला सब्र दे, आमीन। आप लोग भी दुआ कीजिएगा फ्रेंड्स, और सबके लिए दुआ किया कीजिए। इस आखिरी अशरे में अल्लाह पाक हर किसी की दुआ कबूल करता है, और कब किसके हक में आपसे नेकी हो जाए, है ना, किसके हक में आप दुआ करें और वो कबूल हो जाए, इसका भी तो सवाब हमको मिलता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के लिए अपने साथ साथ दुआ किया कीजिए फ्रेंड्स, आप लोग भी, मैं भी करती हूँ। और अल्लाह हम सबको कामयाबी दे, सेहत दे, हम सबके बच्चों को नेक तौफीक दे, फर्मा बरदारी की तौफीक अता करे और कामयाबी दे बच्चों को रोज़ी रोज़गार में, आमीन। और चलिए फिर सहरी की तैयारी करते हैं। आप सबको 23rd सहरी बहुत बहुत मुबारक फ्रेंड्स, आप लोग भी मेरे लिए दुआ किया कीजिए। आज हमारा मौसम खराब नहीं बोलेंगे,
रोजेदारों के लिए तो बहुत अच्छा मौसम है ये। बदली ऐसी रहे हमेशा तो अच्छा रहेगा, मेरे को तो ऐसी मौसम पसंद है। सही बात बोली तो। और यहाँ यान सो ही रहा है हमेशा की तरह, गेम खेलता है और वो सोता है बस, और कुछ नहीं आता उसे। और हमारा किचन गैस साफ़ करने का है अभी, अच्छा नहीं है। मम्मी अब साफ़ सुथरा था मगर मम्मी अभी रोटी बना के गए तो मम्मी ने ख़राब कर दी। वैसे मैंने किचन साफ़ कर चुकी थी मगर फिर भी पर। और ये बर्तन धूप के रखी थी, जमाना है। गैस कुकर का कचरा साइड पन्नी में डाल के फेंकना है। और ये पापा का बस इतने से थोड़े से ही से धो लेंगे, फिर सारे बर्तन जमा दूंगी। और ये रूम की तो झाड़ू भी नहीं निकली है इस शैतान की वजह से, क्योंकि ये बाकी सब क्लीन है हमारे यहाँ। और ये पापा की तबीयत थोड़ी ठीक है, बुखार नहीं आया बस, अच्छी बात है। और ये मम्मी लू लगी थी, दवाइयाँ बदल बदल के थक गए और लू लगी थी। कल रात में 12:30 बजे लू उतारे तो ठीक लग रहा है, नहीं तो हाथ के तलवे पैर के तलवे सब गर्म हो रहे थे, बेचैन हो रहा, सर्दी बेचैन हो रहे थे वो तो ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आ गई किचन में और अभी बज रहे हैं 5:45 बजने को कुछ 10 मिनट है। और है ना मैं आज बड़ी फुर्सत से और माशाल्लाह माशाल्लाह आज मैंने 3 पारे पढ़े, पता है फुर्सत से पढ़े। सुबह सहरी में जो शुरू किया था ना, फिर नमाज बाद नहीं पढ़ी, फिर अभी जोर में उठी तो फिर जब पढ़ना चालू करी ना मैंने 3 पारे कम्प्लीट कर लिए, मतलब सुबह का आधा पढ़ा हुआ और अभी पूरे 2.5 पारे है ना। एक मेरे ग्रुप का नहीं लॉक ही है तो ऐसी स्पीड मेरी रही ना तो बहुत अच्छा रहेगा। 2-3 दिन में मेरे पारे मेरे कुरान पाक मुकम्मल हो जाएगा। 24 पारे मेरे वो हो गए हैं, एक ग्रुप का मिला था 12th पारा वो भी पढ़ लिया मैंने आज तो अल्हम्दुलिल्लाह को बहुत खुशी हुई। ऐसी मेरी रोज़ की पढ़ाई हो जाए ना तो मज़ा ही आ जाए। तो आज मेरे हस्बैंड की तबीयत माशाल्लाह ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए मैं पढ़ पाई हूँ। और लू ही थी उनको रात के 12:30 बजे हम लोग ने लू उतारे, पता है सब क्योंकि टेस्ट वेस्ट सब हो गए, ब्लड टेस्ट करा के ला लिया भाई ने, कुछ भी नहीं निकल रहा। बुखार की दवाई डॉक्टर ने 3 बार बदल के दे दिया तब भी बुखार नहीं उतरा, बुखार उतर बोलते हाँ भाईजन बोल रहे थे क्योंकि भाईजन को लगी थी इनके जिस दिन ये बीमार हुए थे उसके एक दिन पहले भाईजन को लू लगी थी तो भाईजन को बुखार था। भाईजन जब आ रहे थे बशीर भाई नीचे वाले जब आ रहे थे तब तब रहते लू उतारो लू उतारो। कल है ना मेरा भी मन वो हो गया कि टेस्ट हो गए सब हो गया तो लू ही होगी, मैंने आप लोग से ये बात बोली भी थी 2-3 बार है ना। तो फाइनली कल हमने उतारे और एक बार अभी भी उतारी मैंने तो हाँ एक बार और उतार दूंगी। बहुत आराम है उनको, मतलब 2 रातों से तो बिल्कुल भी नहीं सोए थे और सीन से खासी। और है ना हम लोगों को भी नहीं सोने दे रहे थे ना, बहुत परेशान कर रहे थे, बहुत हाथ पैर दुख रहे थे, जाहिर सी बात है यार मतलब हद से ज्यादा वाला बुखार आ रहा था उनको, पूरे पंजे और हाथ के तलवे तो इतने गर्म थे कि और सर पे बुखार चढ़ रहा था उनको। हाँ सर और तलवे पे हम लोग बर्फ का पानी से पोंछ रहे थे तब जाके उनको आराम लगता था थोड़ा थोड़ा, बाकी तो हाथ पैर उनको बहुत दर्द हो रहे थे, सर और हाथ पैर दर्द। मेरे बच्चे अम्मी भाई रोशन भाभी भी आए थे वो भी हाथ पैर दबा रहे थे मैं तो क्या बोलूँ आपको, मेरा ऐसा मुंह उतर गया था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, खाना भी नहीं बनाने की इच्छा होती थी मगर अब क्या करूँ बनाना पड़ रहा था। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह आज ठीक है, आप लोग दुआ कीजिएगा कि और जल्दी से थोड़े से रिकवर हो जाए, वो बहुत कमज़ोर हो गए हैं। 1 हफ्ते से भाई बुखार था और हड्डी तोड़ बुखार था। तो खैर आज बहुत आराम से मैंने पढ़ाई करी, वो भी आराम से सो रहे हैं और खाए भी एक रोटी, नहीं तो 3-4 दिन से कुछ भी नहीं खाए हुए थे उन्होंने। तो खैर चलिए अब मैं बनाती हूँ इफ्तारी, मैं आई हूँ यहाँ पे, मैंने उस दिन उड़द की दाल भिगाई थी ना, थोड़ी सी मूंग वड़ी उड़द वड़ी बनाई थी मैंने है ना, उड़द के बड़े। तो आज मैं वही अम्बू को मिले नहीं थे थोड़े बनाए थे मैंने, अम्बू को ना हाथ में ही नहीं आए तो आज मैं पूरी दाल का वही बना रही हूँ जो भीगे हुए थे ना, मैं कुछ और सोच के रखी थी मगर अब मैं वही बना रही हूँ क्योंकि अच्छे लगे थे। और थोड़ी सी मीठी सेवई बनाऊंगी। और अम्मी ने ना लौकी वोकी काट के सब कुकर में डाल के रखे थे, बोले थे सिर्फ भून लेना मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसको मैं भूंज रही हूँ, ये अम्मी ने लौकी की सब्जी मतलब रेडी कर ली है।
और यहाँ आज फाइनली जो उस दिन मैं बोल रही थी ना अमीना कुछ बनाएगी, तो अमीना भूल गई थी बनाते बनाते, तो अच्छा था हमारे पास तहारी थी भाई, हमने वो खाए। और ये रह गया, ये धुला हुआ रखा है चिकन, धुला हुआ रखा है। हाँ अमीना, हाँ तो ये अमीना आज बनाने वाली है, देखेंगे क्या बनाती है, वो शायद रिकॉर्ड करेगी तो आपको रेसिपी भी मिल जाएगी। वो अमीना फर्स्ट टाइम बनाने वाली है, फर्स्ट टाइम बनाओ तो पर रिकॉर्ड कर लेना कि तुमने फर्स्ट टाइम वो रेसिपी बनाए थे इंशाल्लाह। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं जल्दी जल्दी तैयारी कर लेती हूँ। आज मैंने बिल्कुल भी उठ के ना बैठी नहीं हूँ, बिल्कुल भी मतलब आराम नहीं की, लेटी नहीं हूँ, बैठी बैठी तो पढ़ रही थी। तो जल्दी से मैं सब्जी बना लेती हूँ, और आटा मेरा गूंदा हुआ है, चावल हम गरम बनाएंगे। यहाँ मैं दाल पीस लेती हूँ और मिलती हूँ आपको थोड़ी देर से। हमने यहाँ इफ्तार का एहतमाम किया हुआ है क्योंकि अयान बड़े पापा के साथ बाहर जा रहा है, थी सबको ही, पापा की तबीयत खराब है इसलिए पापा नहीं जा रहे हैं अमीना के, और हम लोग, मैं, अम्मी, अमीना और उसके पापा, हम लोग यहाँ पर बैठेंगे। छोटा सा अम्मू ने गद्दी में दस्तर बिछा दिए, देख सकते हैं आप। हाँ मैंने मना करी तभी भी बिछाई है उसने, और ये हमारा रसना रेडी है। और अभी पूरा आधा घंटा है, 6 बज रहा है, तो देखिए ये मेरे मुंगोड़े, हाँ मुंगोड़े जैसे ही रहते हैं ये, उड़द वड़े बहुत प्यारे लगते। धनिया, खड़ा धनिया, सौंफ और लाल सूखी मिर्ची है ना, पीस लो पहले दरदरी सी, और फिर है ना उसका पाउडर निकालना है, निकालो नहीं तो उसी में दाल डाल के, और मैं ना वो कर लेती हूँ उसी में मोटा मोटा पीस लेती हूँ, तो वो बहुत अच्छे लगे थे उस बार, फर्स्ट टाइम बनाया था मैंने उस दिन, और आज फिर बनाया मैंने। बैठ गए, हम लोग बैठ गए, अब वैसे हम बोलते मम्मी तुम कितना इतराते, मैं इंट्रोड्यूस करूं क्या? यस। तो ये है उत्तपम, और ये है उड़द वड़े, ये है चना और मोठ का है, और ये है गुलगुले, ये है भजिए, और ये है दही बड़े, और ये है मसूर दाल के बड़े, ये है फ्रूट, और ये भी सेम है, और यहाँ पर है मूंग, अलग अलग है ये दोनों। हाँ, और ये है मोमोज के पापा, ये है मोमोज की मम्मी, और ये मोमोज दोनों छोटे वाले। हाँ, और ये मैदे के नहीं है, बताओ। ये आटे के हैं। क्यों? क्योंकि अमीना अब मत बोलने लगो आ जाइए फ्रेंड्स, इफ्तारी के लिए दस्तर लग चुका है, आप लोग भी वेलकम है, आइए साथ में दुआ करें। देखिए अम्मी कर रहे दुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह आज इसके पापा को भी थोड़ा अच्छा लग रहा है, और अयान आज गया है बाहर बड़े पापा के साथ इफ्तार पार्टी में, और उसके पापा की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो नहीं गए। तो आ जाइए आप लोग भी इफ्तारी के लिए। तो ये देखिए अमीना का चालू हो गया या चिकन, थोड़े से गरम मसाले में तेल में डाल दिया था उसने, तेल में गरम मसाले डाले, गरम मसालों में चिकन डाला हुआ है, चिकन को थोड़ा सा रेड रेड करेंगे। हाँ यार, थोड़ा सा वैसे करते नहीं है, मगर अम्बू को नहीं पसंद है इसलिए वो रेड करेगी, तो फुल कर दो उसको तो रेड होगा वो, और ऊपर नीचे करो नहीं, पहले इसको ऐसे ही, मेरा ना छोटा पॉट सुबह ही एक्सीडेंटली टूट गया, मतलब वो ब्लेड टूट गया। और यहाँ दूध गर्म हो रहा है, वैसे गरम करते नहीं है मगर फ्रिज में रखा था, और ये अमीन ने 1 घंटे से सारी चीजें बाहर निकाल के पड़ी हुई है, मैं बोली डालते ही फट जाए, उससे अच्छा गरम कर लो, पकड़ी है ना। यहाँ अदरक कुटा हुआ और धनिया पाउडर डाला है अमीना ने, इसमें कोई भी मसाले नहीं जाएंगे, पानी फटाफट फटाफट हाथ चला, वो उड़ रहा है ना, मुझे डर लग रहा है। नहीं डरना नहीं है पकाने के टाइम में, डरने से पकाना नहीं आता, अभी इसमें लग गया है। तो ये देखिए चिकन में रेड रेड निशान आ गए, वो हटा दो, वहां से हटा दो। अब इसे जाएगा दूध, दूध जाएगा अब इसमें 2.5 कप, ये जी चले गए यहाँ पे 2.5 कप दूध,
और अब ये दूध में पकेगा चिकन। इसी थोड़ी देर तक आप चम्मच घुमाते हैं। हाँ हाँ थोड़ी देर, नहीं तो नीचे लगेगा वो इस वजह से। तो फुल तो करो अभी, हमको दूध ना फटे। हाँ बेटा एक मिनट, दूध ना फटे करके इसमें हमको डालना पड़ेगा बादाम पिसा हुआ, जो अमीना आपको दिखाएगी थोड़ी देर के बाद। हाँ अमीना, यहाँ पर बादाम डालती हूँ पिसा हुआ, और अभी मैं मिक्स कर रही हूँ, और उबाल तो आ ही रहा है। अच्छे से घुमाते रहना ताकि नीचे चिपके ना। अच्छे से तरीके से घुमाना है। ये अमीना ने बादाम का पेस्ट डाल दी, दिखाई अमीना? नहीं दिखाई, बस डाल दी। बताइए, डाल दी उसने। अब यहाँ रखा है दो चीज, ये है काली मिर्च जो अभी कुटी है, उसने मेरे पास रखी है पिसी हुई, मगर नहीं फ्रेश डालोगे तो फ्रेश खुशबू आएगी, और एक कसूरी मेथी। दोनों जन जाएंगे थोड़ी देर बाद, थोड़ा ये चिकन टेंडर हो जाएगा ना, उसके बाद थोड़ा 5 मिनट इसको हम ऐसे ही पकाएंगे। आटा गूंदने लगी हूँ क्योंकि पापा को लग गई बहुत जम के भूख, फिर चावल चढ़ा दूंगी, फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। पीयू पीयू बाबा। तो फ्रेंड्स बज गए हैं 12:15, हम लोग ने खाना पीना खा लिए थे 10:30 बजे, पर बुलबेन भी आए थे उन्होंने भी खाए, बहुत अच्छी बनी अमीना के हाथ की सब्जी, और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए कभी, बनाइए। मतलब जो मीठी सब्जी खाना पसंद करते हैं ना उनके लिए वो अच्छी, जो तेज़ नहीं खाते ये सब उनके लिए वो बहुत अच्छी है। बाकी रेस्टोरेंट स्टाइल था, बिल्कुल बहुत ही अच्छा रिच फ्लेवर था, और आज इसके पापा को तेज नहीं खाने का मन था तो उन्होंने वो खाए, बहुत अच्छा लगा। और पर आमिना ने नहीं खाई, उसको दूध नहीं पसंद है ना, अब उसने बनाई तो उसको उल्टी आ रही उसने 2 पीस निकाल के फिर तीखी बनाई, जो मैं आपको सुबह सहरी में बताऊंगी। तो खा पी लिए थे, फ़ोन मेरे हाथ में नहीं था इसलिए एंड इतने देर से कर रही हूँ। तो मैंने नहा लिया अभी, तो आज मैंने अपना सबर ब्रेक कर ही दिया। हाँ तो आज मैं नहा के सो रही हूँ, मेरे को बहुत गर्म लग रहा था। तो चलिए फिर मैं आज का ब्लॉग एंड करती हूँ। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा आज का ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर कमेंट और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और मुझे मेरे लिए दुआ कीजिए कि जल्दी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर हो जाए। तो मिलती हूँ आपको कल सहरी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।